दुर्गा पूजा पर पाबंदियों का वायरल सच। देश मां दुर्गा की भक्ति के लिए नवरात्र के रंग में डूबा हुआ है, लेकिन रंग में भंग डालने का काम कर रहा है वो दावा जिसके मुताबिक मोहर्रम के लिए दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर पाबंदी लगा दी गई है। देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर पाबंदी का दावा किया जा रहा है। चलिए पता लगाते हैं आस्था को कानून की बेड़ियों में जकड़ने का ये दावा आखिर कितना सच्चा है। क्या मुहर्रम के चक्कर में इस बार दुर्गा पूजा पर पाबंदियां लगा दी गई हैं? क्या मुसलमानों के मुहर्रम के लिए हिंदुओं की दुर्गा पूजा पर प्रशासनिक पाबंदी की तलवार लटक रही है? क्या 1 अक्टूबर को मुहर्रम की वजह से दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए दशहरे की तारीख तय कर दी गई है? ये सवाल देश के दो बड़े राज्यों में पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में दुर्गा पूजा पर पाबंदी के लिए चर्चा गर्म है। किस राज्य में क्या चर्चा है पहले आप वो जान लीजिए, उसके बाद हम आपको दावे के सच तक ले जाएंगे। पहले चलिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा पर पाबंदी का दावा कर रहा है ये चेहरा। आपकी टीवी स्क्रीन पर भगवा सापा बांधे दिख रहे इस चेहरे का नाम दीपक शर्मा है। सोशल मीडिया पर हिंदुओं के ठेकेदार बनकर सामने आए दीपक शर्मा का दावा है कि उन्नाव का जिला प्रशासन मुहर्रम के चक्कर में हिंदुओं की आस्था को दबाने की कोशिश कर रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है, उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील का है, जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों ने, विशेषकर वाल्मीकि भाइयों ने ज्वाला जी जा करके वहां से अखंड ज्योति को यहां सफीपुर में स्थापित करने का एक प्रायोजन 29 तारीख को किया, जिस दिन नवरात्रों का अंतिम दिन है, और उसे लेकर के एक आयोजन की अनुमति मांगी प्रशासन से, लेकिन प्रशासन ने यह कहकर इनकार कर दिया गया कि आप पूजा नहीं कर सकते, चूंकि उस दिन वहां पर ताजिया निकलना है, जुलूस निकलना है, मुसलमानों का एक जुलूस निकलना है, मुस्लिम समाज का, मुहर्रम का। हिंदुओं के हक की लड़ाई लड़ने का ढकोसला करने सोशल मीडिया पर उतरे दीपक शर्मा ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में ज्वाला की ज्योत न जलाने देकर सरकार यूपी में पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति बनाना चाहती है। किस तरह से दुर्गा पूजा को उत्तर प्रदेश में रोका जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि दीपक शर्मा किस आधार पर सोशल मीडिया पर गला फाड़ कर ये दावा कर रहा है? क्या सच में उन्नाव में ऐसा कुछ हुआ है जिसमें प्रशासन ने मुहर्रम की ताजिया के लिए हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर पाबंदी लगाई है? हिंदुओं को अखंड ज्योत नहीं जलाने देने का मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर तहसील का बताया जा रहा था, इसलिए पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज सीधे सफीपुर पहुंचा। लोगों की माने तो एक ही दिन ताजिया और वाल्मीकि समाज के लोगों की अखंड ज्योति कार्यक्रम को लेकर विवाद तो हुआ था, लेकिन प्रशासन ने समझदारी से इसका हल निकाल लिया है। कुछ वाल्मीकि बंधु थे जो ये मांग कर रहे थे कि उनको जीवन ज्योति कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की जाए, और प्रशासन के सामने ये एक समस्या थी कि वो जहाँ पे मांग कर रहे थे जिस जगह पे कार्यक्रम किया जाए वहाँ से हमारे ताजिए का वो रूप निकल रहा था। तो फिर प्रशासन, पुलिस और स्थानीय हमारे जो सफीपुर विधायक हैं उन लोगों ने एक और प्रतिनिधिमंडल जो कि वहाँ के संभ्रांत नागरिक थे जो जिसमें उन लोगों ने बैठ के इसमें एक समझौता किया, जिसमें यह किया गया कि 27 तारीख को इन लोगों को परमिशन दी गई कि ये जीवन ज्योति का अपना प्रोग्राम करें और 28 और 29 में हमारा उसी रूट से ताजिया निकलना। तो ये एक आपसी सौहार्द और सामंजस्य का एक अच्छा उदाहरण पेश किया। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी धर्म के लोगों को उनके पर्व त्योहार मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। मतलब हिंदू 29 सितंबर यानी कि नवमी के दिन अखंड ज्योत जलाने का कार्यक्रम रखना चाहते थे और उसी दिन मुहर्रम के लिए भी एक जुलूस निकलने वाला था, इसलिए दोनों समुदायों का जो आयोजन है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटे इसके लिए प्रशासन ने ये फैसला किया कि अखंड ज्योत का कार्यक्रम 27 तारीख को हो और ताजिया 28-29 को निकलेगी। ये फैसला भी प्रशासन ने खुद नहीं लिया बल्कि दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर आपसी विचार विमर्श के बाद समझदारी दिखाते हुए ये फैसला लिया गया। इसलिए दीपक शर्मा जैसे लोगों को किसी की वकालत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बात को मुद्दा बना करके वो
धार्मिक भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसका समाधान हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने प्रशासन की मदद से आपस में बैठकर निकाल लिया है। हमारी पड़ताल में उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा पर पाबंदी का दावा झूठा साबित हुआ है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।